तो आज हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिंक बनाना सीखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिंक में सबसे पहले हम लोग ये देखा था कि कोई जब लिंक लेते हैं तो ये हम लोग लिंक देख रहे हैं, ये लिंक का अपर सरफेस हो गया, ये लिंक का लोअर सरफेस हो गया। तो ये कोई लीफ है, इस लीफ को हम लोग याद रखना है कि इस तरह से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और ये इस आगे वाले पोर्शन को जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा ये हम लोग को देखना है, याद रखना है। ये लीफ है, लीफ का अपर सरफेस, लोअर सरफेस। टेरेस्ट्रियल प्लांट में याद रखना है स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ह्यूज अमाउंट में होता है और अपर सरफेस पे वेरी लेस अमाउंट में या फिर एब्सेंट रहेगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे किसी भी लीफ में अपर सरफेस जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होगा, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। बस हम लोग को इसी तरह से ड्रॉ करना है, ये सेल वॉल है इसका, न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ लार्जर वैक्यूल होता है। ओके, तो एपिडर्मिस हो गया अपर। इसी तरह से हम देखेंगे लोअर सरफेस पे भी सिंगल लेयर ऑफ सेल का लोअर एपिडर्मिस होगा। लेकिन लोअर सरफेस पे हम लोग को पता है कि स्टोमेटा भी होता है, हम लोग कहीं पे स्टोमेटा स्टोमेटल पोर को भी दिखा देना है। स्टोमेटा में हम लोग देख रहे हैं ये जो दो सेल है ये अप्रोक्स ग्रीन सेल दिख रहा है, तो ये गार्ड सेल है और इसमें भी न्यूक्लियस होता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। किसी भी प्लांट सेल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे लार्ज वैक्यूल और एक न्यूक्लियस भी होता है, तो बस हम लोग दिखाते हैं। तो ये अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस। और लीफ के याद रखना है कि पूरे प्लांट के बॉडी के ऊपर एक थिन वैक्सी लेयर होता है जिसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, तो यहाँ भी हम लोग एपिडर्मिस के ऊपर एक थिन वैक्सी लेयर देखते हैं, ये क्यूटिकल, क्यूटिकल हो गया। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस इसके बीच में जितना भी कंपोनेंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं मेसोफिल, मेसोफिल। ड्राइंग हम लोग को सीखना है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं एक थिन लेयर है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एपिडर्मिस और बीच का पार्ट। तो हम लोग देखे थे कि इसमें कहीं कहीं पे वैस्कुलर बंडल जो होता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है,
ये वैस्कुलर बंडल हो गया, इसमें दो टाइप का टिश्यू डिवाइडेड होता है, एक कॉर्क कैम्बियम से, ये हम लोग देख रहे हैं, ये कंप्लीट वैस्कुलर बंडल हो गया। वैस्कुलर बंडल, इसमें हम लोग देखेंगे कि दो टाइप का सेल है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अपर सेल हम लोग देख रहे हैं जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, लोअर हम लोग देख रहे हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। और दोनों टिश्यू को सेपरेट करने वाला जो बीच में वॉल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, ये हमारा स्टोमेटल पोर था। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अपर इपिडर्मिस से लॉन्गर सेल्स हैंग करता हुआ दिखाई, जब भी हम लोग देखेंगे तो अपर इपिडर्मिस से बहुत सारा लॉन्गर सेल्स को हम लोग देखेंगे इसपे हैंग करता रहता है। इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं पैलिसेट सेल्स, और इसमें ह्यूज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारा ग्रीन डॉट्स दिखाई देगा, इसका अपना न्यूक्लियस भी होगा। तो ये मेजोफिल हम लोग मिडिल पार्ट में देख रहे हैं कि ऊपर में हैंगिंग सेल्स होता है, लॉन्ग सेल्स होता है, इसे हम लोग एलिसेट सेल बोलते हैं, एलिसेट सेल। इस तरह से हम लोग एलिसेट सेल्स दिखा देंगे, इसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट दिखा देंगे। तो ये हमारा जो मेजोफिल है, मेजोफिल का ये फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, एलिसेट सेल्स। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एलिसेट सेल से नीचे में कहीं कहीं पे स्पॉन्जी सेल्स होता है और बहुत सारा एयर गैप्स होता है। स्पॉन्जी सेल्स इरेगुलर शेप में रहता है, और दो स्पॉन्जी सेल्स के बीच में यहां पर हम लोग देख रहे हैं एयर गैप या एयर स्पेस, एयर स्पेस, और ये हो गया स्पॉन्जी सेल्स। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का डायग्राम हो गया। तो एनसीईआरटी के बुक में भी ये डायग्राम दिया गया है, सीबीएसई में कई बार फुली लेवल डायग्राम पूछा गया है, तो इस डायग्राम को बनाने का तरीका हम लोग सीख लिए। फिगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ओके, थैंक यू। अब हम लोग स्टोमेटा का डायग्राम बनाना सीखेंगे। डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, तो हम लोग ने दिखाया है कि स्टोमेटा जो होता है उसका शेप अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। जैसे डाइकोट प्लांट में जब हम लोग गार्ड सेल देखेंगे तो डाइकोट प्लांट का गार्ड सेल बीन सेप होता है, ये मेन सेल प्लांट सेल है, इसमें न्यूक्लियस होगा और क्लोरोप्लास्ट बहुत सारा होगा। सिंगल, याद रखना है, सिंगल न्यूक्लियस एंड मेनी क्लोरोप्लास्ट, बीन सेल स्ट्रक्चर, ये हमारा गार्ड सेल। किस प्लांट में होगा? डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट में गार्ड सेल, बीन सेल और किडनी सेल,
अगर हम लोग इसी स्टोमेटा को किसी मोनोकॉट प्लांट में देखेंगे तब जो गार्ड सेल होगा वो हमारा डंबल सेल होगा, ये डंबल सेट है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा और क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ये डिफरेंस है मोनोकोट के गार्ड सेल में और डाइकोट के गार्ड सेल में। अब हम लोग स्टोमेटा का डायग्राम देख लेते हैं। याद रखना है मोनोकोट प्लांट में जो गार्ड सेल होता है उसका सेट कैसा होगा, डंबल से। अब हम लोग स्टोमेटा देखें, किसी भी स्टोमेटा में वन टियर गार्ड सेल होगा। तो ये हम लोग डायकोट प्लांट का स्टोमेटा देख रहे हैं, ये दिख रहा है कि ओपन स्टोमेटा है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होगा और इस बीच में एक स्पेस है, बीच में एक स्पेस है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर और स्टोमा, ये हमारा गार्ड सेल हो गया। इस गार्ड सेल को चारों तरफ से याद रखना है बहुत सारा एसेसरीज से कवर्ड करता है और ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये हमारा एसेसरी सेल हो गया। एसेसरी सेल्स, ये गार्ड सेल्स, ये एसेसरी सेल्स, ये हमारा ओपन स्टोमेटा हो गया। स्टोमेटा ओपन कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एसेसरी सेल है इसमें वाटर फिल्ड होता है और ये वाटर जो एसेसरी सेल में है ये हमेशा गार्ड सेल में आता है, फिर गार्ड सेल से वापस एसेसरी सेल में चला जाता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल एसेसरी सेल से गार्ड सेल में आके फिल करना शुरू हो जाता है, याद रखना है जितना भी एसेसरी सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स है ये ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, तो एसेसरी सेल से या गार्ड सेल में आके एक्यूमुलेट होना शुरू करेगा। अब ये मूव क्यों कर रहा है, तो हम लोग देखे थे ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स एसेसरी सेल में ह्यूज अमाउंट में है और गार्ड सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम अमाउंट में है, यानी कि एसेसरी सेल में कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है और गार्ड सेल में हम लोग देख रहे हैं बहुत कम है। तो ज्यादा से कम की ओर वाटर हमेशा मूव करता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एसेसरी सेल से वो मूव करके कहाँ चला गया, तो गार्ड सेल में, जिसके कारण गार्ड सेल धीरे धीरे स्वेल कर जाएगा और स्वेल करने के कारण हम लोग देखेंगे इसके टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाएगा, इंटरनल प्रेशर हाई हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। यानी कि जिस टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है उस टाइम में गार्ड सेल के अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है और ये स्वेल कर जाता है, इसलिए स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब ये क्लोज कैसे होगा, तो जस्ट अपोजिट अब हम देख रहे हैं कि हमारे गार्ड सेल में वाटर का एक्यूमुलेशन ज्यादा है और एसेसरी सेल में वाटर क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी हो जाएगी वाटर की, तब वाटर रिवर्स मूव करना शुरू कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये गार्ड सेल से क्या हो रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एसेसरी सेल में वापस जा रहा है, तो धीरे धीरे वाटर बाहर आएगा, इसके इंटरनल प्रेशर में फिर से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। और जब सेल श्रिंक कर जाएगा तब हम लोग देखेंगे स्टोमेटा कैसा दिखेगा। ठीक, हम लोग देख रहे हैं ये जो पोर है ये क्लोज हो चुका है, इसमें न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट ये हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्लोज स्टोमेटा हो गया, ये ओपन स्टोमेटा हो गया। तो डायग्राम बनाना कितना एकदम आसान है। तो ये
ओपन स्टोमेटा और ये क्लोज स्टोमेटा। और हम लोग मैकेनिज्म भी समझ गए कि ओपन कब होता है, जब वाटर एसेसिव सेल से गार्ड सेल में आके एक्युमुलेट हो जाता है तो गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्लोज क्यों हो गया, तो जब गार्ड सेल से वाटर फिर से रिटर्न बैक एसेसिव सेल में चला जाएगा तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा और ये पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो ये क्लोज स्टोमेटा हो गया। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, याद रखना है अमीबा का कोई भी शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा अपने शेप को चेंज करता रहता है। अमीबा है, अमीबा एक एनिमल सेल है, यानी कि जो फर्स्ट लेयर इस सेल के बाहर हम लोग को जो दिख रहा है ये थिन लेयर, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल है तो इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बड़ा हुआ है, लिक्विड बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई अमीबा है और यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, ये कोई फूड मटेरियल है, याद रखना है ये कोई फूड है। तो जैसे ही अमीबा के आसपास कोई फूड मटेरियल होता है, अमीबा क्या करता है, उसे पहले सेंस करता है कि हाँ ये इडिबल है या नहीं है। जैसे ही इसे लगता है कि ये कोई फूड पार्टिकल्स है तो ये क्या करेगा, इस फूड को धीरे धीरे सराउंड करना, ये अपने शेप में चेंजिंग लाएगा। ये अपने शेप में चेंजिंग लाएगा और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ये डेवलप कर लिया, दिख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या कर रहा है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाना है जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। Pseudopodia या false fin, तो ये फूड को धीरे धीरे क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन, यानी कि पहले फूड को सेंस किया फिर क्या कर रहा है, तो फूड को धीरे धीरे ये चारों तरफ से कैप्चर कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब क्या होगा, तो फूड कंप्लीटली सेल के अंदर आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये हम लोग देखें, यहां देखना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे क्या करेगा, तो ये एक बाउंड्री वॉल बना लेगा और ये एक वैक्यूल बना देगा फूड के अंदर। यानी कि जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि अब फूड कहाँ आ गया, तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया और इस वैक्यूल के अंदर आ गया, तो ये हमारा फूड वैक्यूल हो गया। इसे हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बोलते हैं, याद रखना है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो अब हम लोग देखेंगे जैसे ही फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ गया, इसके प्रोटोप्लाज्म से या साइटोप्लाज्म से क्या हो रहा है, तो अब एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा इसके अंदर और ये फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो याद रखना है कि यह फूड जो है, अब जो फूड है ये डाइजेस्टेड हो गया है और ये सोल्यूबल फॉर्म में आ गया है, तो डाइजेशन के बाद फूड क्या होगा, तो ये डिफ्यूज हो जाएगा, पूरे प्रोटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएगा और यूटिलाइज हो जाएगा। तो याद रखना है ये हमारा जो प्रोसेस था ये इंजेशन था। यहां हम लोग देख रहे हैं कि एंजाइम्स जा रहा है वैक्यूल के अंदर, तो ये डाइजेशन कर रहा है डाइजेशन। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फूड अब पूरी तरह से सेल के अंदर स्प्रेड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि ये प्रोटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एंड हम लोग देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हम लोग देखते हैं ये फूड चला जाता है और यहीं पे ऑक्सीडाइज होकर ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एसिमिलेशन। तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक एनिमल सेल है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एक साथ हो जाता है, जो कि एक ही सेल में फूड को सेंड करना होता है, तो वही इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर वहीं पे हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होता है तो वो एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। तो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, तो फूड यूटिलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, यानी कि कुछ पार्टिकल अभी भी है जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को ये फिर से क्या करेगा, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा और अपने वैक्यूल से उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर देगा। इसे हम लोग बोलते हैं इजेशन, इजेशन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अमीबा में ये होलो जो है न्यूट्रिशन हो रहा है, यानी कि फाइव स्टेप में न्यूट्रिशन हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये फाइव स्टेप्स होता है। ओके, थैंक यू।